आज की एक न्यूज है, उनका कहना है बांग्लादेश का फाइटर जेट चाहिए और उसके अलावा हमें हेलीकॉप्टर चाहिए अपने आर्मी के लिए। हम अपने आर्मी को मॉडर्न करना चाहते हैं और उसके लिए हम कैपेबिलिटी समझते हैं इंडिया को कि इंडिया ज्यादा बेहतर है, लेकिन चाइना नहीं, पाकिस्तान नहीं, क्यों? इंडिया हम उनसे बहुत पीछे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप सिर्फ एक इंस्टीट्यूट देख लें इंडिया का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बारे में रिप्यूट ये है कि इफ़ यू गेट एडमिशन इन IIT आपको हार्वर्ड में एडमिशन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर अगर आप हार्वर्ड में एडमिटेड हैं एज अ स्टूडेंट, यू स्टिल हैव टू टेक एन एडमिशन टेस्ट एट IIT, ठीक है। आई हैव बीन टू IIT myself, इंडिया में। और UPI ऐप ने जो है वो अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है ट्रांजैक्शन करने में। 12.82 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है दिसंबर के महीने में UPI के जरिए। क्या कहेंगे, 2016 में इस ऐप को पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज इस ऐप को ना सिर्फ जो यूज कर रहा है बल्कि बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जो चाहती हैं इस ऐप को उनके ममालिक में भी लॉन्च किया जाए। जी, इंडिया तो पहली बात टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है और आपका जो सवाल है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो इंडिया काफ़ी आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्योंकि उन्होंने काम किया है उन पर, उन्होंने यूज़ किया है। अब आप देख रहे हैं कि पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था और यहाँ पर जब 200 KB स्पीड आती थी जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, वो भी वही एप्स यूज़ कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे किसी अच्छे अच्छे लाहौर में ही आप देख लें, किसी अच्छे एरिया में, कराची को पकड़ लें, काफी मैदान 50% लोगों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन ऐप्स यूज। सोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फोर्स है CRM, ठीक है, और उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो उसकी सारी सपोर्ट जो है ना वो इंडियन दे रहे हैं, ठीक है, हमें इंडियन दे रहे हैं, ठीक है। हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी तो कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, हमें इंडियन सपोर्ट दे रहे हैं। तो जब तक ये बात मेरे लिए भी नहीं थी जो आपने बताई है, ठीक है, तो जब तक ये हम लोग नहीं कर पाए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, इंडिया ने बांग्लादेश को $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिया था। बांग्लादेश ने इंडिया से अब वही $500 मिलियन का मिलिट्री हार्डवेयर लेने के लिए बातचीत चल रहा है। पाक मीडिया इसी में जल गए। दोस्तों, इनकी इंडिया से इतने जलते हैं कि इंडिया से क्यों ले रहा है, चाइना पाकिस्तान से क्यों नहीं ले रहा है। आइए और आगे का वीडियो देखते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपना कीमती समय निकल करके लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। है उनका कहना है बांग्लादेश का फाइटर जेट चाहिए और उसके अलावा हमें हेलीकॉप्टर चाहिए अपने आर्मी के लिए। हम अपने आर्मी को मॉडर्न करना चाहते हैं और उसके लिए हम कैपेबिलिटी समझते हैं इंडिया को कि इंडिया ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चाइना नहीं, पाकिस्तान नहीं, क्यों? मैम, पहली बात तो ये है, बांग्लादेश की तो बात ना करें, वो तो है मुनाफिक मुल्क। आपने कहा है कि बांग्लादेश मुनाफिक मुल्क है, मुझे बताइएगा किस लिहाज से मुनाफिक है? मुनाफिकत आप उसकी किसी लिहाज से भी देख लेना, वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ हो, दूसरों मुल्कों को तो प्रायोरिटी देता ही है लेकिन इंडिया को पाकिस्तान का दुश्मन होने की बिना पे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, वो भी अगर हम UAE में देखें, वो भी बहुत से ममालिक जो हमें इस टाइम प्रायोरिटी पर नहीं रख रहे बल्कि इंडिया को रख रहे हैं, फिर हम सबको मुनाफिक कहेंगे? चले जी, UAE को तो हम नहीं कह सकते, हाँ अलबत्ता अफगानिस्तान में ये बात मौजूद है। ये तो पीछे आप सीज़न में देख लें, एक मैच हुआ था, हालांकि पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तानी कोचेज़ ने जाके अफगानिस्तान को इम्प्रूव किया है, उनकी टीमें बनाई हैं, उनको खेलने का बताया है, लेकिन उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान के साथ बदतमीजी की है, पाकिस्तान की शर्ट। आई हैव बीन टू IIT myself, इंडिया में, और मेरे पूरे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जिसमें 1 लाख स्टूडेंट एक ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 ऑडिटोरियम थे एक यूनिवर्सिटी में। आप IT एक्सपर्ट हैं? नहीं, मैं लॉयर हूँ, ठीक है। मैं कॉन्फ्रेंस पे वहाँ पर गया हुआ था, ठीक है, और आई वॉज बेफल्ड के मतलब हम उनसे इतना पीछे हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठ सकें एक ऑडिटोरियम में, और वहाँ पे 10 ऑडिटोरियम हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे एक टाइम पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चे बैठ सकते हैं IIT, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो एजुकेशन हमसे बहुत आगे हैं। सो इफ़ यू आर अहेड इन एजुकेशन तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी अहेड इन एवरीथिंग। आप क्रिकेट देख लें, आप स्पोर्ट्स देख लें, आप एजुकेशन देख लें, आप साइंस देख लें, वो हमसे आगे इसलिए हैं बिकॉज आप हमारा एजुकेशन सिस्टम देखें और उनका एजुकेशन सिस्टम देखें। वहाँ पर अगर कोई क्रिकेटर भी बनता है ना तो वो स्कूल लेवल से शुरू करता है एंड यूनिवर्सिटी तक जाके खेलता है एंड देन ही गेट्स अ चांस टू प्ले इन इंडियन टीम। आप बेंगलोर जाएं एंड यू विल सी के हाई राइज टावर्स हैं और पूरी पूरी बिल्डिंग्स जो हैं वो IT से रिलेटेड हैं। IT पार्क्स बने हुए हैं वहाँ पे। IT पार्क्स हैं और मतलब हर बंदा IT सेक्टर के अंदर है, ऑलमोस्ट हर बंदा, ठीक है। यहाँ पे आप बताएं कितने, कितनी भी होती है स्पोर्ट होती है ना, लाइक हमें सेल्सफोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्सफोर्स है CRM, ठीक है, और उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो उसकी सारी सपोर्ट जो है ना वो इंडियन दे रहे हैं, ठीक है, हमें इंडियन दे रहे हैं, ठीक है। हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी तो कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, हमें इंडियन सपोर्ट दे रहे हैं। तो जब तक ये बात मेरे लिए भी नहीं थी जो आपने बताई है, ठीक है, तो जब तक ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें सेट नहीं कर पाएंगे, तो यही मामला रहेंगे। हम दुनिया से पहले बहुत पीछे हैं और जो हुकूमतों ने इलाज हमारा कर दिया है और हम 10-15 साल और पीछे चले गए। अच्छा, आपने क्या सपोर्ट करते हैं इंडिया, फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई इंडिया से हमने कुछ नहीं लेना, इंडिया का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, आप कुछ बताया, आप भी मूवीज देखती हैं, सारी इंडियंस की मूवी हम देखते हैं, सॉन्ग उनके सुनते हैं, 95% जो हमारा सोशल मीडिया है वो इंडिया को फॉलो करता है, exactly. और
ऐसे ही है, लेक्चर्स तक तो हम इंडियंस के सुनते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे प्रॉब्लम ये है कि लाइक मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, मैं आगे निकल रहा हूँ तो मेरा साथ वाला मेरी टांग खींच रहा है, तुम क्यों आगे भाई निकल रहे हो। ठीक है, रिसेंटली आई एम फेसिंग वन प्रॉब्लम इन माई सिस्टम, तो मैंने एक किसी के हेल्प लिए कहा, तो उसने मुझे जिसे कहते हैं किट्टा इनकार किया कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती और नहीं कर सकता। मैंने कहा चलो दफा करो परी कराओ, तो ये प्रॉब्लम है। और हम अगर इंडियन से, मैंने बिलीव माई वर्ड्स अगर मैं इंडियन से जाके बात की ना कि मुझे बताओ, तो उसने मुझे फ़ौरन हेल्प किया। ठीक है, उसने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम है, आप इसको सही करो तो फ़ौरन सही हो जाए, और डैट्स वाई वो फ़ौरन से भी हो गया। और यही मामला आते हैं, वो हमसे आगे भी हैं और वो आगे ही रहेंगे। आप ये देख लें, अगर हम करते हैं बात उसकी लाइक उनकी माशियत की इकोनॉमी की बात करते हैं, वो हमसे आगे है, बांग्लादेश हमसे आगे है, और हमारे नेबर जो है लाइक वो अफगानिस्तान, वो हमसे आगे है टेक्नोलॉजी में। अब जिसे हम वो कहते गद्दार गद्दार कहते थे बांग्लादेश को, वो हमसे बहुत आगे है, आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। जो हमसे आगे निकल जाते हैं वो या तो गद्दार है या तो बुरा है, ये प्रॉब्लम है तुम्हारे। हम तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करते हैं, 4 साल यूनिवर्सिटी स्पेंड करते हैं, यूनिवर्सिटी 16 साल की डिग्री खत्म की, और इसके बाद हम पता लगता है कि ये भी है, ये भी है। हाँ, और वो जो लोग है वो आपको पता है रॉकेट साइज का जी, आपको पता है रॉकेट साइज का नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं ना रिसेंटली इंटरव्यू सुन रही थी इंडियन बच्चों का ना, तो वो जब इंटरव्यू दे रहे थे तो वो, अच्छा उनके गोल जब आप देखें कि हम ये गाड़ी बनाएंगे इंडिया के लिए, हम ये करेंगे इंडिया के लिए, मतलब उनके हर लफ्ज में इंडिया शामिल था कि हम इंडिया के लिए ये करेंगे। अच्छा नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो गोल्स है ना, हमारे गोल्स यही कि हमने ना हमें इंटर्नशिप मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए। और बिलीव माय वर्ड्स, उनके जो गोल्स है ना, वो गोल्स ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हम फेसबुक पे जाके काम करें, मेटावर्स में काम करें, गूगल में काम करें। ठीक है, उनके गोल्स बड़े बड़े हैं, वो पहले सेट करके बैठे। हमारा ये होता है कि हम लोग इंटर्नशिप कर लें, 8 से 10 हज़ार आ जाएगा। ओ यार, क्या तुम घूम रहे हो। अच्छा, आपने मेटावर्स की बात की ना, तो मेटावर्स को भी अब वो लोग लीड करने वाले हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली करने वाले हैं। हम कहाँ हैं? हम इधर ही हैं, इधर ही रहेंगे। और अगर तो फ्यूचर बनाना है, अगर हमें चाहते हैं हम अगर अच्छे इंसान बन जाए और फ्यूचर पर बैठ चले जाए और अपनी लाइफ सेटल करें, यहाँ पे हुकूमतों के यही मामला रहने हैं। शहबाज शरीफ आएगा, वो ये कह देगा मैं बहुत अच्छा हूँ, इमरान खान आएगा बहुत अच्छा हूँ। ये यहाँ पे आप लोग यहीं रहते हैं ना, बिलीव माई वर्ड्स, मुझे आधा घंटा ना जाना खड़ा होना पड़ता है इस सीएम साहब को गुजरने के लिए, कि सीएम साहब गुजरेंगे तो फिर हम जाएंगे। यार उससे मारना है ना, उसने वैसे ही मार देना है। ठीक है, तो ये मसला मिसाइल है, हम ये आगे निकल सकते हैं जब तक ये हम मामला, एक तरफ कह रहे हैं कि मुल्क तो डूब गया हमारा, दूसरी तरफ इनकी याचिकाएं देख लें आप, मामला नहीं सही होने वाले। आपके इंडिया ने 2001 में आई थिंक उनके राहुल गांधी, आई थिंक ही वाज द आईटी मिनिस्टर देयर, दैट वाज द रेवोल्यूशनरी टाइम फॉर इंडिया। तो उसने क्या किया था कि उसने आपके जितने यूएस, आपके यूरोप, आपके ऑस्ट्रेलियन, जितनी भी आउटसोर्सिंग कंपनीज है उसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे साइन किए। अब आप वुड यू बिलीव मी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 80-90% जितना भी काम आउटसोर्स हो रहे हैं, इवन द कॉल सेंटर का काम वो सारे का सारा इंडिया के अंदर हो रहा है। इवन सर उनकी आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है वो भी इंडियन है, आल्सो इंडियन, ही इज आल्सो इंडियन। तो कहने की रीजन ये है कि हम लोगों का जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो आप एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर हमारे पास कोई विजनरी बंदा नहीं है। फर्स्ट टाइम टू बी ऑनेस्ट, आप फर्स्ट टाइम ये जो स्पेस साइंसेस की अभी ये बात कर रही हैं, तो मे बी इट्स योर रिसर्च वर्क और व्हाटएवर, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहा हूँ। अदरवाइज मेरा स्पेस साइंसेस बात हुई जाती है कि वो रिसोर्सेज इतने एक्सपेंसिव हैं कि आपके इंडिया वी कांट अफोर्ड इट। इंडिया जो है वहाँ पे आई थिंक कुछ फ्यू इयर्स अगो वहाँ पे उनकी कोई लड़की वो स्पेस में गई थी, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। उनके तो नासा में इंडियंस हैं।